मध्य प्रदेश शासन द्वारा कई डॉक्टरों को पदोन्नत कर ए क्लास किया गया है। इस पर AIMA के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी ने शासन का आभार माना और अपने साथी डॉक्टरों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शासन के इस कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे लोगों के लिए भी पदोन्नति लाभदायक है। गुना से गजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष और पूर्व CMHO व वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर रामवीर सिंह राजधानी तक न्यूज चैनल के साथ हैं। सर, अभी हाल ही में कई मेडिकल ऑफिसर्स को A1 डॉक्टर की ग्रेड मिली है, तो आप बताएं सर, किन किन डॉक्टरों को यह ग्रेड मिली है और इससे यहाँ के लोगों को क्या फायदे होंगे व आगे स्वास्थ्य विभाग में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है गयन जी। देखिए कि करीब 17 से अधिक चिकित्सक हमारे जिला चिकित्सालय गुना के प्रथम श्रेणी चिकित्सक बन गए हैं, विशेषज्ञ बने हैं अपने अपने फील्ड में। और इससे सबसे बड़ी बात तो यह है, डॉक्टरों का मनोबल बढ़ा है। अभी तक डॉक्टर प्रमोट ही नहीं होते थे। हमारे टाइम हमारे साथी लोग 30-30, 35-35 साल में क्लास वन नहीं बन पाए, रिटायर होने के 1-6 महीने पहले बने मुश्किल से। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब सरकार ने जो प्रथम श्रेणी प्रमोशन का फायदा लिया किया है, इससे क्या होगा, जैसे 17 चिकित्सक जो हमारे थे, ये प्रथम श्रेणी के रिक्त पद थे, ये तो उसमें चले जाएंगे। अब इनकी वजह है दूसरे 17 मेडिकल ऑफिसर हमारे पास नए अपॉइंट हो जाएंगे, तो इससे चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि होगी। और चिकित्सकों की संख्या की वृद्धि के अलावा चिकित्सक भी अच्छे मनोबल से उपचार करेंगे। आप देखेंगे डॉक्टर सुधीर राठौर अस्थि रोग विशेषज्ञ बने हैं, जबकि हमारे 3 चिकित्सक डॉक्टर लखन धाकड़, डॉक्टर पीसी वर्मा और डॉक्टर अजय गुप्ता, ये तीनों शिशु रोग विशेषज्ञ बने हैं। अब तीन लोग ये शिशु रोग विशेषज्ञ बन गए, तो 3 शिशु रोग के जो मेडिकल ऑफिसर हैं PGMO, वो हमको अतिरिक्त मिल जाएंगे। इसी प्रकार से डॉक्टर वीरेंद्र रघुवंशी और डॉक्टर रितेश कांसल, ये दोनों नाकान गले के चिकित्सक थे, PGMO थे, ये दोनों नाकान गले में विशेषज्ञ हुए हैं। तो अब ये प्रथम श्रेणी में जाने से द्वितीय श्रेणी के 2 चिकित्सकों पर हमको और मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर रुचि राणा, डॉक्टर रश्मि दीक्षित और डॉक्टर विकास राजपूत, ये तीनों चिकित्सक ये एनेस्थेटिस्ट प्रथम श्रेणी में प्रमोट हुए हैं। तो अब इससे निश्चित रूप से जो है हमारे यहाँ जो है 3 चिकित्सक एनेस्थीसिया विभाग में और हमारे अपॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर आनंद शर्मा और डॉक्टर प्रकाश धाकड़, ये 2 चिकित्सक हमारे प्रथम श्रेणी में पैथोलॉजी के पैथोलॉजिस्ट बने हैं। तो इस तरह से जो है अब 2 चिकित्सक हमारे मेडिकल ऑफिसर पैथोलॉजी के खाली रहने से वो ये एनेस्थेटिस्ट प्रथम श्रेणी में प्रमोट हुए हैं। तो अब इससे निश्चित रूप से जो है हमारे यहाँ जो है 3 चिकित्सक एनेस्थीसिया विभाग में और हमारे अपॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर आनंद शर्मा और डॉक्टर प्रकाश धाकड़, ये 2 चिकित्सक हमारे प्रथम श्रेणी में पैथोलॉजी के पैथोलॉजिस्ट बने हैं। तो इस तरह से जो है अब 2 चिकित्सक हमारे मेडिकल ऑफिसर पैथोलॉजी के खाली रहने से वो और भरे हो जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर रामवरण राजपूत, हमारे यहाँ के जो TB में डॉक्टर हैं, वो जो है TB विशेषज्ञ बन गए हैं। अब इससे TB विशेषज्ञ का एक पद और रिक्त हो जाएगा। और डॉक्टर सुनील यादव, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर मेडिसिन में थे, वो अब मेडिसिन विशेषज्ञ हो गए हैं। तो अब मेडिसिन का PGMO का एक चिकित्सक और भर्ती हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव और डॉक्टर बरुआ, ये दोनों हमारे चिकित्सक सर्जरी विशेषज्ञ बने हैं। तो इससे 2 सर्जरी के PGMO हमारे यहाँ और अपॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर आभा शर्मा स्त्री रोग विशेषज्ञ बनी है और डॉक्टर आकांक्षा पांडे नेत्रोग विशेषज्ञ बनी है। तो इनकी जगह भी एक नेत्रोग के PGMO और एक जो है स्त्री रोग के PGMO हमारे यहाँ और अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। मैं हमारे सभी 17 साथी चिकित्सकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं मध्य प्रदेश शासन को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि अगर यही प्रथा अगर पहले से चल रही होती इसी प्रकार से, तो शायद बहुत सारे चिकित्सक
शासकीय नौकरी को ठुकरा कर या इस्तीफा देकर दूसरी जगह नहीं जाते।